हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। इसी तरह से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और नई नई अपडेट्स लेते रहिए हमारे साथ में। तो रोज की तरह ही मैं अपने टाइम पर आ चुका हूँ 5:44 पे, और आज की जो वीडियो है बहुत ही ज्यादा धमाकेदार होने वाली है। सो प्लीज वीडियो का आखिर तक जरूर देखना एंड आई होप ये जो वीडियो है आप सभी को बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली है। वीडियो शुरू करने से पहले, जो मैंने लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था तो काफ़ी सारे लोगों ने उस पर सही कमेंट्स किए। मैंने क्वेश्चन पूछा था कि गुरु सरकार वर्सी मैम के साथ में कौन सा सॉन्ग आया था, तो डूब गए सही आंसर है और काफ़ी लोगों ने कमेंट्स किया था। ये रहे आपके कमेंट्स हमारी स्क्रीन पर। लास्ट वीडियो पर काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट्स किया था, आपका प्यार और सपोर्ट देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है। दोस्तों, इसी तरह की कमाल की वीडियोस मैं आप लोग के लिए लाता रहता हूँ, और अगर आज आप नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। 2 साल पहले दोस्तों मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी आप लोगों के लिए, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सब विदेशी हीरोइंस। ये वाली वीडियो को काफ़ी ज़्यादा प्यार और सपोर्ट मिला था आप लोगों का, इसलिए मैं इसका पार्ट 2 लेके आया हूँ। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले दोस्तों कि आखिर क्यों गुरु सर आजकल अपने हर वीडियोस में, लगभग हर वीडियोस में देसी हीरोइंस को, यानी कि भारतीय हीरोइंस को ले रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों कि लास्ट 1-2 सालों में गुरु सर ने किन किन हीरोइंस के साथ में काम किया है या किन एक्ट्रेस को अपने सॉन्ग्स में लिया है। दोस्तों, हमारी लिस्ट में जो सबसे पहले नंबर पर आती है वो है ध्वनि मैम, यानी कि ध्वनि भानुशाली। जी हाँ दोस्तों, इनके साथ में गुरु सर के अब तक 2 सॉन्ग्स आ चुके हैं। सबसे पहले हमें देखने को मिला था इशारे तेरे, और फिर उसके बाद में हमें देखने को मिला बेबी गर्ल। अगर हम बात करें दोस्तों गुरु और ध्वनि की फ्रेंडशिप की, तो काफ़ी अच्छी इनकी फ्रेंडशिप है और इन फ्यूचर हमें इनके काफ़ी सारे सॉन्ग्स देखने को मिल सकते हैं। आगे हम बात करने वाले दोस्तों नोरा मैम की, तो हाल ही के एक इंटरव्यू में गुरु सर ने कहा था कि नोरा मैम उनके लिए काफ़ी ज़्यादा लकी हैं और इनके साथ जो भी सॉन्ग्स आए हैं काफ़ी ज़्यादा सुपर डुपर हिट रहे हैं अभी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, नोरा मैम के साथ भी 2 सॉन्ग्स गुरु सर के अब तक आ चुके हैं। पहला था नाच मेरी रानी, और रिसेंटली अभी एक सॉन्ग देखने को मिला हमें जिसका नाम था डांस मेरी रानी, और ये नाच मेरी रानी का ही पार्ट था। और इन फ्यूचर हमें इनके काफ़ी सारे सॉन्ग्स देखने को मिल सकते हैं। वैसे तो नोरा मैम है कैनेडियन, बट दिल तो हिंदुस्तानी है यार। आगे हैं दोस्तों उर्वशी मैम, और लास्ट ईयर गुरु सर के साथ में इनका सॉन्ग आया था डूब गए, काफ़ी ज़्यादा हिट रहा दोस्तों। 130 मिलियन से ज़्यादा व्यूज अब तक इस पर आ चुके हैं, और जैसा कि आप सभी जानते हैं बीच बीच में इनकी काफ़ी सारी अफवाहें उड़ती रहती हैं। अगर आप उस पर एक स्पेशल वीडियो चाहते तो प्लीज़ कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। और गुरु सर उर्वशी मैम एक दूसरे को काफ़ी लंबे समय से जानते हैं, ये बात आप जानते ही होंगे कि एक बार उन्होंने रैम वॉक भी किया था साथ में। इन फ्यूचर हमें इनके साथ भी काफ़ी सारे सॉन्ग्स देखने को मिल सकते हैं। और आगे हम बात करें दोस्तों संजना संगी मैम की, तो गुरु सर के साथ में इनका सॉन्ग आया था मेहंदी वाले हाथ, 14 जनवरी 2021 को ये रिलीज किया गया था, 1 साल कम्प्लीट हो चुका है। सॉन्ग काफ़ी ज़ोरदार था यार, और संजना मैम ने अपना रोल काफ़ी अच्छे से निभाया था। ये एक बहुत ही अच्छी मॉडल है, साथ ही बहुत ही ज़्यादा क्यूट है यार। आगे हैं दोस्तों मृणाल मैम, और मृणाल मैम का गुरु सर के साथ में सॉन्ग आया था ऐसे ना छोड़ो, काफ़ी अच्छा सॉन्ग था दोस्तों। फैंस ने इसे काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया, और साथ ही इसे शूट करने में गुरु सर और मृणाल मैम ने भी काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया, क्योंकि इसकी शूटिंग हुई थी जम्मू एंड कश्मीर में। तो ये थी दोस्तों कुछ भारतीय एक्ट्रेस जिन्होंने गुरु सर के साथ में काम किया है। इनके अलावा भी काफ़ी सारी एक्ट्रेस ने गुरु सर के साथ काम किया है, लेकिन ये कुछ स्पेशल थी इसलिए मैंने आप लोग को मेरी वीडियोज़ में दिखाया इन एक्ट्रेस को। साथ ही हम बात करें कि ऐसा क्या हुआ कि विदेश हीरोइंस को छोड़ के गुरु सर ने देसी हीरोइंस को अपने सॉन्ग्स में अपनाया, तो इसका सीधा साधा आंसर एक ही है दोस्तों कि गुरु सर अब विदेशी हीरोइंस के साथ में काम करें या देसी हीरोइंस के साथ में, उनके सारे सॉन्ग्स हिट होते हैं। सिंगर्स जब इंडस्ट्री में नए नए आते हैं दोस्तों, तो वो हमेशा कुछ नया दिखाने की कोशिश करते हैं, जिसलिए वो विदेशी हीरोइंस को और विदेशी सीन्स को ज्यादा अपने वीडियोज में लेते हैं। बट दोस्तों ऐसा ही गुरु सर ने भी किया था और वो हिट हो चुके हैं, बट अब उनको इसकी खास जरूरत नहीं है। फैंस का प्यार और सपोर्ट इतना ज्यादा है गुरु सर के साथ में कि वो उनके सारे सॉन्ग्स को सुपर डुपर हिट कर देते हैं। इन 5 एक्ट्रेस में से आपको कौन सी सबसे ज्यादा पसंद आई प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। आज के हम क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, गुरु सर का बोहिमिया सर के साथ में फर्स्ट सॉन्ग कौन सा आया था, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना दोस्तों, ताकि मैं आप सभी की कमेंट्स को मेरी अगली वीडियो में दिखा सकूं। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो आप सभी मिस ना कर सके, क्योंकि आने वाली वीडियो से इतनी ज्यादा कमाल की होने वाली हैं। तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए, और साथ ही गुरु सर के लिए एक लाइक तो बनता है यार, प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।